ये फंक्शन आपको दिया गया है, ठीक है। सपोज हमने लेट कर लिया, लेट y इक्वल्स टू आपका क्या हो गया, साइन ऑफ लॉग x, डबल डेरिवेटिव निकालना है इसका, तो उससे इक्वेशन नंबर वन, एंड नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा आपका, d by dx of y, that is equals to d by dx of sine of log x, ठीक है। तो ये साफ साफ दिख रहा है, चेन रूल लगेगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू प्लेस करोगे तो पहले ये log कैलकुलेट होगा, ठीक है, उसके बाद क्या होगा आपका, sine कैलकुलेट होगा, तो sine क्या हो गया आपका, आउटर फंक्शन हो गया, ठीक है, फिर इनर फंक्शन, जस्ट इनर फंक्शन log हो गया, जो x का फंक्शन है, तो सबसे पहले डिफरेंशिएट क्या होगा, पहले नंबर पे साइन होगा, फिर सेकेंड नंबर पे लॉग होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब साइन डिफरेंशिएट होगा तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है, और जो भी साइन के अंदर है लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका लॉग ऑफ एक्स, और फिर अंदर सेकेंड नंबर पे आपका लॉग डिफरेंशिएट होगा, ठीक है, वन बाई होता है, ठीक है, उसके अंदर एक्स है तो एक्स लिख दिया, तो ये आपका आ गया डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, एक्स इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक्स dy by dx क्या हो जाएगा आपका, x dy by dx that is equals to cos of log x, ठीक, अब इसको अगेन डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये क्या हो गया आपका सेकेंड फंक्शन, ठीक है, या कुछ लोग इसे u कहते हैं, इसे v कहते हैं, जो भी कह लीजिए, तो फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड, मतलब डी वाई बाई डी एक्स ऑफ प्लस सेकेंड डी वाई बाई डी एक्स सेकेंड डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, और फर्स्ट क्या आपका है x है, तो ये तो आपका लेफ्ट हैंड साइड का होगा, ठीक है, राइट हैंड साइड में डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ लॉग x, ठीक। अब देखिए यहाँ पे तो चेन रूल लग जाएगा, चेन रूल लगेगा तो पहले कॉस डिफरेंशिएट होगा जिसका माइनस साइन आएगा, साइन ऑफ लॉग x, और लॉग x का डिफरेंशिएशन फिर होगा वो कितना आ जाएगा, वन बाई एक्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा साइन ऑफ लॉग x, साइन ऑफ लॉग x y था तो हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, y रख सकते हैं, ठीक है, खैर यहाँ पे देख लीजिए क्या हो जाएगा आपका x, इसे हम डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और प्लस ये वन हो गया, ये हो गया डीवाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब डीवाई बाई डी एक्स कितना था आपका, इस वाले इक्वेशन से देख लीजिए डीवाई बाई डी एक्स कितना है, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर टू, तो डीवाई बाई डी एक्स यहाँ से हम कॉस ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस कितना है आपका डीवाई बाई डी एक्स कॉस ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स, ये डीवाई बाई डी एक्स की प्लेस पे रख दिया हमने, और इधर आपका हो गया दैट इज इक्वल्स टू, इसे वाई बाई एक्स लिख दे रहे हैं, ठीक है, तो दैट इज माइनस वाई बाई एक्स। अब देखिए ये आप क्या करो, एक तरफ ले आओ क्योंकि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एक्स टाइम्स दैट इज इक्वल्स टू माइनस वाई बाई एक्स, और ये इधर लाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा आपका माइनस कॉस ऑफ लॉग एक्स, ठीक है, अपॉन एक्स, और ये एक्स फिर नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा आपका डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दैट कम्स आउट टू बी, ये एक्स यहाँ कॉमन कर लीजिए, इधर से एक्स ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा आपका y, अच्छा माइनस भी कॉमन हो रहा है, ठीक है, यहाँ भी माइनस, यहाँ से माइनस कॉमन हो रहा है, तो y प्लस क्या हो गया cos ऑफ log x, ठीक है। अच्छा y की वैल्यू हम लोग, जो y की वैल्यू थी हमारी sin ऑफ log x है, यहाँ रख देते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा ये, या सिंप्लीफाई नहीं होगा, रख देते हैं, ठीक है, 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका sin ऑफ log x प्लस कॉस ऑफ क्या हो जाएगा लॉग एक्स।